लास्ट सीन में हमने देखा था कि इन्होंने अपनी रेड कलर की चिली डिश से काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैसे कमा लिए थे और इनका रेस्टोरेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था। तभी वहाँ पे अंकल आते हैं जो बताते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं ताकि हम लुई आर्मी को वहाँ से लेके आ सकें। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग दोमुआ के पास जाते हैं और उनसे लुई आर्मी को वापस देने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने 4.2 नहीं बल्कि 5.2 टेल्स इन्हें दे दिए थे। लेकिन दोमुआ जो है वो इन्हें मना कर देता है उन लुई आर्मी को देने से, क्योंकि ये जिंगयान हाउस से वहाँ से भाग के आए थे, जिस वजह से इन्हें ये सारे पैसे लेके वापस जाना होता है। लेकिन ये फिर से अपनी कोई बेवकूफ़ी स्टार्ट कर देते हैं और जिनकी बातें सुनकर दोमुआ जो है वह काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और उनसे फ़ाइट करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे लुई के फ्रेंड्स यानी कि ली और सेकंड पर्सन का नाम मुझे याद नहीं है, वो आ जाते हैं जो कि दोमुआ से फ़ाइट करते हैं और वो दोमुआ से ऑलमोस्ट जीत रहे होते हैं। लेकिन तभी दोमुआ जो है वो एक ट्रिक प्ले करता है और उन लोगों को हरा देता है, जिसके बाद वो लोग सुइंग के रेस्टोरेंट में आते हैं और उन सभी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और 5.2 थाउजेंड टेल्स जो है वो भी उनके हाथ से जा चुके होते हैं, क्योंकि वो उनसे दोमुआ ने ले लिए होते हैं। जिसके बाद सभी सोच रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। लेकिन तभी वहाँ पर फेरी आती है जो उसे बताती है कि उसने रेस्टोरेंट को बचा लिया, इसीलिए उसे एक रिवॉर्ड मिल रहा है जिसमें एक न्यू पर्सन है। और तभी हमें उस न्यू पर्सन को दिखाया जाता है जो उन्हीं के रेस्टोरेंट में बैठा होता है और बहुत सारी वाइन मांग रहा होता है, और वो वाइन का तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा वाला पुजारी होता है और पूरी नशे की हालत में वहीं बैठा होता है। जिसके बाद हमें वापस से नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोमुआ के पास उसका सर्वेंट आता है और बताता है कि लुई और अंकल जो है वो वापस आ गए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि लुई जो है वो बहुत सारे रेड वाइन के जार लेके आया होता है उसके लिए, और वो बताता है कि ये वाइन जार जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस हैं और बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं। और दोमुआ को भी वाइन का काफ़ी शौक होता है, जिस वजह से वो उनकी बातों में आ जाता है और इन सारी वाइन को लेने की बात करता है। लेकिन लुई उसे मना कर देता है कि ये कितने ज़्यादा महंगे हैं, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे ड्रंकर हो, लेकिन इसका तो हाफ जार पीने के बाद भी कोई भी आसानी से ड्रंक होकर गिर पड़ता है। लेकिन दोमुआ जो है वो कहता है कि वो बहुत अच्छा ड्रंक है और वो सारे जार खरीदेगा, और इन लोगों का प्लान कामयाब हो जाता है। और तभी हमें उस पर्सन को भी दिखाया जाता है जो कल रात को बहुत सारी वाइन पी के वहाँ पर बैठा हुआ था। दोमुआ उसे देखता है, लुई बताता है कि ये वेस्टर्न से है दाउचियान और ये बहुत अच्छा ड्रंक करता है। और उसको वाइन पीता हुआ देखकर दोमुआ जो है वो अपने और दाउचियान के बीच में कंपटीशन करवाता है कि कौन ज़्यादा वाइन के जार पी सकता है। और इसमें दाउचियान जो है वो बहुत ईजिली तरीके से सारी की सारी ड्रिंक पी लेता है और वो इतना अच्छा ड्रंकर है। ये देखकर दोमुआ उससे पूछता है कि आखिर उसका क्या सीक्रेट है जो वो इतना अच्छा ड्रंकर लेता है। और हमें लुई को दिखाया जाता है जो कल रात की बात को याद करता है, जहाँ पे हमें ध्यानचंद के बारे में बताया गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रंक करने में बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसकी हिडन पावर है कि ये किसी भी वाइन में अपनी पावर को मैच करके उसे ड्रीम में भेज सकता है। और यहाँ पर ध्यानचंद जो है वो इसी बात का फ़ायदा उठाता है और कहता है कि क्या वो उसकी बनाई हुई वाइन को पी सकता है, जिसके बाद दोमुआ हाँ करता है और वो बहुत सारी अपनी मैजिकल चीज़ों को दिखाता है और एक मैजिकल वाइन बनाता है। उस मैजिकल वाइन को पीने के बाद दोमुआ जो है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग उसको बहुत ही ध्यान से देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि वो अपने पैसे वापस ले सकते हैं और लुई आर्मी को भी। जिसके बाद हमें टोडविला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब वापस आ चुके होते हैं पूरी लुई फैमिली को लुई आर्मी को बचाकर और इस चीज़ को इंजॉय कर रहे होते हैं। और उनके साथ में लुईजी भी होती है जो कि लू को कहती है उसने आखिरकार लुई आर्मी को बचाया है तो उसे रीपे कैसे कर सकती है। लेकिन लुई जो है वो मना कर देता है कि जी को कोई ज़रूरत नहीं है रीपे करने की, जिसमें अंकल बोलते हैं कि अगर वो तुम्हें बुला रही है या कुछ देना चाहती है तो तुम मना मत करो। लेकिन लुई उसे इशारा करता है, जिससे अंकल वहाँ पर स्टोरी सुनाने लग जाते हैं कि किस तरह उसने उन्हें दोमुआ से फ़ाइट की और पूरी लुई आर्मी को बचाया। और सभी लोग उसकी बातें सुनने लगते हैं, इस बात से लुई जो है वो वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर सुइंग को याद कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे प्रोग्रामर आती है जो उसे बताती है कि आखिरकार तुमने टोडविला को काफ़ी ज़्यादा अपडेट कर लिया है, अब नेक्स्ट मिशन जो है वो पूरे एक हफ्ते बाद है, तब तक तुम आराम से बैठो। जिसके बाद जो लुई है वो अपने रूम में होता है, तभी उसके पास कोई आता है जो कोई और नहीं बल्कि लुईज ही होती है और उससे बातें करने आई होती है कि उसने उसकी लुई आर्मी को बचाया है और इस वजह से वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी है। लेकिन लुई जो है वो उससे दूर हो जाता है और उसे मना कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस पहले से ही उसके दिल में कोई और है और लव कभी भी किसी से फोर्स करके नहीं होता। लेकिन ये सब सुनने से पहले लुई जो है वो वहाँ पे सो चुकी होती है। जिसके बाद जो लुई है वो एक फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर उसने सुइंग से बोला था टोडविला में आने के लिए, क्योंकि अब उसका रेस्टोरेंट बिल्कुल ठीक हो चुका है, जिस पर सुइंग कुछ कहने वाली होती है। लेकिन तभी लुई खुद ही मना कर देता है कि उसके लिए रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लैंड लेडी है तो उसका होना यहाँ पर ज़रूरी है,
जिस वजह से स्विंग भी कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन लुई को काफ़ी ज़्यादा याद कर रही होती है। और यहाँ तो नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। लुई के रूम में लुईजी सोई हुई होती है, इस वजह से उसे बाहर सोना पड़ता है। और जैसे ही वो वहाँ से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके टोड विला के बाहर बहुत सारी आर्मीज खड़ी हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि ब्लैक रॉक सिटी से लूहम होता है, जो यहाँ पर लुई को धमकाने आया होता है और उससे बहुत सारी बातें बोलता है और कहता है कि वो अपनी सिटी को नहीं बचा पाएगा और इसीलिए वो ब्लैक रॉक सिटी के साथ मिल जाए। और इसी बात पे सभी लोग बैठकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि ब्लैक रॉक सिटी में आखिर कौन जाएगा, लेकिन बात करते हुए सभी लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है। और हमें यहाँ पे हिड मैजिस्ट्री को दिखाया जाता है, जिनके पास कोई एक बहुत बड़ा प्लान होता है। और उनके पास एक पर्सन आता है जो कहता है कि आखिर आप ये सब क्या कर रहे हो, सभी लोग आपको के ऊपर हंसेंगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप टोड सिटी के पीछे पड़े हुए हो। लेकिन हिज मैजिस्ट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे पास लूहम है, ब्लैक रॉक सिटी का सबसे अच्छा वॉरियर। और तभी हमें एक और न्यू पर्सन को दिखाया जाता है जो हिज मैजिस्ट्री के पास आता है और उससे कहता है कि वो उसकी कोई बात नहीं मानेगा और अपनी सिटी को उसके साथ नहीं जोड़ेगा। लेकिन किसी भी तरह हिज मैजिस्ट्री डरा धमका के उसे अपनी साइड कर लेते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लुई को, जो कि यहाँ पे प्रोग्रामर को ढूंढ रहा होता है, पर वो कहीं पे भी नहीं मिलती, क्योंकि उसने कहा था कि एक हफ्ते तक अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसीलिए वो सो जाती है। और तभी उसके पास लिंग आती है जो उससे पूछती है कि क्या वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसके बदले में लुई वापस लिंग से पूछता है कि क्या वो खुश है, जिस पर लिंग बताती है कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि अब उसके पास सुइंग है, लुईशी है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो उसके साथ हैं। जिस पर लुई कहता है कि तुम्हारे फादर एक बहुत बुरे इंसान है, और लिंग बताती है कि ऐसा नहीं है, वो बस थोड़ा सा डरी हुई है इन सब बातों से। जिसके बाद जो लिंग है वो वहाँ से चली जाती है और लुई एक फ्लैशबैक याद करता है, जहाँ पे लूहम से स्टार्टिंग में जब वो मिला था तब लूहम ने उसे अलर्ट किया था कि वो अपने विला को और ख़ुद को नहीं बचा सकता, क्योंकि वो रॉक सिटी की नहीं बल्कि किसी और चीज़ की बात कर रहा है। जिसके बाद हमें एक अजीब सी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर स्नो ही स्नो होती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों अपनी एक जगह पर आके डिस्कशन कर रहे होते हैं इस बात पर कि उन्हें आखिर आगे क्या करना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट के बाहर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं और कुछ ब्लैक ड्रेस में पर्सन होते हैं जो कि गार्ड्स होते हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि यू हाइनस है जो कि हिज मैजिस्ट्री के पास था और वो यहाँ पर लुई को मारने आया है। लेकिन तभी उनका सर्वेंट कहता है कि आखिर हम सब बाहर क्यों खड़े हैं, हम बहुत सारे हैं और वो बहुत कम, हम उन्हें आसानी से मार सकते हैं। और तभी हमें अंकल का सीन दिखाया जाता है जो कि लुई को आके बताते हैं कि उन्हें बाहर एक पिंक कलर का पाउच मिला है जो कि इसका होता है। और वापस से क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि उन पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है, और उनका शायद किंगमैन के साथ कोई रिलेशन है, आई थिंक सो। और यहाँ पे किंगमैन जो है वो सभी लोगों को अपनी बातें बता रहा होता है कि ये जो पाउच है वो उसकी वाइफ का है और ये एक आखिरी निशानी है उसके, और इसीलिए वो हमेशा इस चीज़ को अपने साथ रखता है। और ये बोलते हुए वो काफ़ी रोने लग जाता है, इसीलिए सभी लोग उसे संभाल रहे होते हैं। और यहाँ पे क्राउन प्रिंस जो है वो अपनी बातों में पे ध्यान दे रहा होता है और गलती से अपने ही गार्ड को स्क्वाड मार देता है, और क्राउन प्रिंस को इस बात का रियलाइज़ भी नहीं होता। जिसके बाद क्राउन प्रिंस का गार्ड जो है वो लियो के पास आता है और उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा होता है, लेकिन उसके बताने से पहले ही वो मर जाता है। जिसके बाद वापस से क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है जो सोच रहे होते हैं कि लुई ने उनके गार्ड को मार दिया और इस चीज़ का वो बदला लेंगे, और इसीलिए वो लुई के पास आते हैं और उनसे फ़ाइट के लिए चैलेंज करते हैं और उसे दो चांस देते हैं, एक तो कि वो उनके साथ ही जुड़ जाए और उनसे फ़ाइट ना करे, दूसरा वो पॉइजन पी ले और ख़ुद ही मर जाए। अगर वो ऐसा करेगा तो वो उनके बाकी के मेंबर्स को छोड़ देंगे, और इसीलिए जो लुई है वो उस पॉइजन को पीने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही लुई जो है वो उस पॉइजन को पीने वाला होता है, तभी किंगमैन और ली जो है उन्हें बहुत बुरा लगता है इस बात से कि वो लियो पॉइजन पी रहा है, और लियो ने अभी तक उनकी कितनी ज़्यादा हेल्प की है। वो इस चीज़ को सोचते हुए लियो को पॉइजन पीने से मना कर देते हैं और खुद ही लड़ने लग जाते हैं कि वो पियेंगे, और ये सीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फनी हो जाता है। और इन सब चीज़ों में ये जो पॉइजन है वो गलती से क्राउन प्रिंस के मुंह में ही चला जाता है, जिसके बाद उन्हें काफ़ी वोमिटिंग हो रही होती है और ये सब लोग उसे अच्छे से देख रहे होते हैं। और क्राउन प्रिंस की हालत इतनी ख़राब होने के बाद भी वो कहते हैं कि वो जब ठीक हो जाएंगे तो वो वापस बदला लेने आएंगे। जिसके बाद क्राउन प्रिंस के जाने के बाद लुई जो है वो उस जनरल की बातों को याद कर रहा होता है कि वो लुगार्डेट के बारे में कुछ बोल रहा था, और इस चीज़ को पूछने के लिए वो जैसे ही क्राउन प्रिंस के पास आता है तो वहाँ दिखाया जाता है कि सभी लोगों को किसी ने मार दिया होता है, और साथ में क्राउन प्रिंस को, और उनके हाथ में एक बुक होती है। और तभी वहाँ पर एक बूढ़े से अंकल आते हैं जो कि चेंग डायली को कहते हैं, यानी कि लुई को, कि उसने हिज हाइनेस को मार दिया क्राउन प्रिंस को, और इसीलिए वो उसे अरेस्ट करेंगे।
और उन्हें पनिश करेंगे और उन्हें जान से मार देंगे। और ये सुनने के बाद चैंग डायली और बाकी सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन आगे का रास्ता उन्हें पता नहीं होता, जिस वजह से वो अंकल से पूछते हैं कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि अंकल की स्किल है कि वो जो भी रास्ता बताएंगे वो सही होगा। जिसके बाद अंकल रास्ता बताते हैं और ये सब लोग जो है वो अंकल की बताए हुए अपोजिट रास्ते पे जाते हैं, और ऐसा 2-3 बार होता है, जिस वजह से अंकल गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें मनाने के लिए चैंग डायली कहता है कि अब वो जो रास्ता बताएंगे वो वहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही अंकल रास्ता बताते हैं ये सब लोग उसकी अपोजिट साइड में जाने लगते हैं, जिस वजह से अंकल गुस्सा हो जाते हैं और उस रास्ते पर जाने लग जाते हैं जो उन्होंने खुद बताया था। लेकिन आगे जाते ही वो एक केव में गिर जाते हैं और उनके पीछे पीछे बागियों को भी उसके पास आना पड़ता है, जिसके बाद वो सारे लोग उसी केव में बैठकर सोच रहे होते हैं कि आखिर क्राउन प्रिंस हान श्वान सी को किसने मारा होगा। जिस पर चैंग डायली कहता है कि उसे नहीं पता कि उसने क्राउन प्रिंस को किसने मारा, लेकिन जिसने भी मारा है वो टोड विला को फंसाना चाहता है और ये ज़रूर कोई ना कोई ब्लैक रॉक सिटी से ही होगा। और तभी वहाँ पर प्रोग्रामर आती है जो उसे बताती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगला जो टास्क है तुम्हारा वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और इसके लिए तुम्हें कुछ टूल्स दिए जाते हैं ताकि तुम उस वेपन को यूज़ कर सको। जिसके बाद हमें अंकल को दिखाया जाता है जो जैसे ही होश में आते हैं खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं कि वो सब लोग इस केव में फंस गए उसकी वजह से, और सभी लोग उन्हें मना करते हैं कि वो खुद को ब्लेम ना करें। और जिस जगह पर अंकल खड़े होते हैं वहाँ पर एक तरह का स्टेप होता है जिस वजह से वहाँ पर कुछ वेपन्स आ जाते हैं जो इन चारों के लिए ही होते हैं, और वेपन्स की पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और वहीं पर एक बॉक्स होता है जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करता है, जिसके बाद ये सारे वेपन्स लेके बाहर आ जाते हैं। और तभी वहाँ पे यो हाइनस आ जाते हैं चैंग डायली को ढूंढते हुए, और इसी जगह पे हो जाता है एक्सप्लेशन ओवर।